हेलो, वेलकम ऑल। आप सबका स्वागत आपके डेली करंट अफेयर शो में है। हमने अपने चैनल पे करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करी थी। आज इसका एपिसोड 13 है। हम रोजाना जो करंट अफेयर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चंस आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। आप चाहे जो सभी एग्जाम दे रहे हो जिसमें भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, ये उस एग्जाम में आपको हेल्पफुल प्रूव होंगे। अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दिस ईयर वी आर ऑब्जर्विंग विच एडिशन ऑफ रोड सेफ्टी वीक। इस साल हम लोग जो रोड सेफ्टी वीक मना रहे हैं वो इस साल का कौन सा एडिशन हम मनाएंगे, आपको ये बताना है। तो ये इस साल हम 32nd एडिशन मना रहे हैं रोड सेफ्टी वीक का। रोड सेफ्टी वीक हम कब मनाते हैं? 11 से 17 जनवरी, ये जो वीक होता है ये आपका रोड सेफ्टी वीक कहलाता है। 11 से 17 जनवरी का जो वीक है ये आपका रोड सेफ्टी वीक कहलाता है। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री जो हमारी है वो इसको ऑर्गेनाइज करती है। तो हम लोग इस साल 32nd बना रहे हैं और इस साल की थीम क्या है? सेव योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली। तो जो इस साल की जो थीम है हमारी वो है सेव योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फ्री 2 GB डेटा टू स्टूडेंट फॉर ऑनलाइन स्टडीज। कौन सी राज्य सरकार बच्चों को 2 GB डेटा प्रोवाइड कर रही है ऑनलाइन स्टडी के लिए? कौन सी सरकार ऐसा प्रोवाइड कर रही है? ये आपकी तमिलनाडु की सरकार ऐसा प्रोवाइड कर रही है। ये 2 GB पर डे डेटा देगी स्टूडेंट्स को जिन्होंने रजिस्टर करा है। लगभग 9,69,047 बच्चों को ये 2 GB डेटा मिलेगा। लगभग मान के चलिए कि 10 लाख, अप्रोक्सीमेटली 10 लाख बच्चों को इसका फायदा होगा। 2 GB डेटा पर डे मिलेगा और ये कब से कब तक मिलेगा? ये 4 जनवरी से लेकर अप्रैल तक, 4 महीने के लिए सरकार की तरफ से फ्री डेटा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी एनआरआईज हैव बीन अवार्डेड विद प्रवासी भारतीय सम्मान और 9 जनवरी? 9 जनवरी को हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हिंदुस्तान वापस आए थे, इसीलिए हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं आपका 9 जनवरी 1915 को। क्वेश्चन है आपका कि कितने एनआरआई को इस साल प्रवासी भारतीय सम्मान मिला? 30 एनआरआई को ये सम्मान मिला। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इनको ये सम्मान दिया। अब ये इसमें से दो इम्पोर्टेंट नाम है, आप इनको याद रख सकते हैं। आपके एक सूरीनाम के प्रेसिडेंट है हमारे, प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम। एक इनको अवार्ड मिला, इनका नाम क्या है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी इनका नाम है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये सूरीनाम के प्रेसिडेंट है। एक नाम ये याद रखने वाला है। और एक और किसको अवार्ड मिला? एक प्रियंका राधा कृष्णन। प्रियंका राधा कृष्णन आपकी न्यूजीलैंड में मिनिस्टर हैं, इनको ये सम्मान मिला, प्रियंका राधा कृष्णन को। तो ये 30 लोगों को टोटल सम्मान मिला, जिसमें से दो इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये न्यूजीलैंड की मिनिस्टर हैं, इनको ये सम्मान मिला। टोटल 30 लोगों को सम्मान मिला। एक सूरीनाम के प्रेसिडेंट थे उसमें शामिल थे वो, और एक आपके प्रियंका राधा कृष्णा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो बिडेन नेम हाउ मेनी इंडियन अमेरिकन इन यूएस नेशनल सिक्योरिटी? जो बिडेन को अभी जो बिडेन ने कितने इंडियन जो भारतीय मूल के वहां पे हैं, भारतीय मूल के अमेरिकन हैं, कितने लोगों को अपनी सिक्योरिटी में शामिल किया है इस साल? जो बिडेन ने 2 लोगों को शामिल किया है, 2 इंडियन को शामिल करा है। तो एक का नाम है आपका सुमोना गुहा को शामिल करा है। ये सीनियर डायरेक्टर हैं फॉर साउथ एशिया। और एक तरुण चाबरा,
छाबरा, ये भी आपके सीनियर डायरेक्टर फॉर टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी, सुमोना गुहा एंड तरुण चावरा, दो लोगों को जो ब्रिटेन ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी में शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु इज एड्रेसिंग नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2021। अभी आपका नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो नेशनल यूथ फेस्टिवल कब मनाया जा रहा है, आज ही के दिन मनाया जा रहा है 12 जनवरी को। इसको एड्रेस कौन कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी इसको एड्रेस कर रहे हैं। नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया जा रहा है जिसमें 18 से 25 साल के युवाओं से मोदी जी बात करेंगे और उनको आने वाले अपने करियर को कैसे मॉडिफाई करना है, किस फील्ड में जाना है, अलग अलग उत्सव के बारे में उनको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट इज चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2021। अभी मैंने बताया कि सूरीनाम के प्रेसिडेंट कौन है और वही इस साल हमारे 26 जनवरी पे चीफ गेस्ट होंगे। कौन है सूरीनाम के प्रेसिडेंट, अभी आपको बताया था मैंने, चंद्रिका प्रसाद संतोखी आपके सूरीनाम के प्रेसिडेंट है, वो इस साल 26 जनवरी पे हमारे वहाँ इंडिया में चीफ गेस्ट होंगे। सूरीनाम की कैपिटल क्या है, अगर बात करें सूरीनाम की कैपिटल है पारामरीबो। सूरीनाम की कैपिटल है और सूरीनाम एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मेरा गांव मेरा गौरव कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट। मेरा गांव मेरा गौरव कैंपेन कहाँ स्टार्ट की गई है, मेरा गांव मेरा गौरव कैंपेन गोवा में स्टार्ट करी है। इससे पहले ये हरियाणा में भी स्टार्ट किया जा चुका है मेरा गांव मेरा कैंपेन। इसमें क्या होता है, मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था और इसमें किसानों को एडवाइस दी जाती है कि वो बेटर फर्टिलाइजर कैसे यूज करें, कैसे बेटर क्रॉप मतलब बेटर फसल को अच्छी फसल उगाए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनको एडवाइस दी जाती है जिससे वो अपनी फसल को और अच्छे से अच्छा बना सके। तो ये कैंपेन चल रहा है अभी गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु हैज लॉन्च मोदी इंडिया कॉलिंग 2020 बुक रिसेंटली। अभी एक बुक लॉन्च करी गई है मोदी इंडिया कॉलिंग के नाम से, किसने लॉन्च करी है, ये आदेश गुप्ता ने लॉन्च करी है। आदेश गुप्ता कौन है, बीजेपी के प्रेसिडेंट है दिल्ली से, ये बीजेपी के प्रेसिडेंट है दिल्ली से आपके बीजेपी के प्रेसिडेंट है। ये बुक एक लॉन्च करी गई है और ये बुक क्या है, ये बुक बेसिकली कॉपी टेबल्ड बुक कहलाती है। इसमें कुछ लिखा नहीं है, इसमें सिर्फ फोटोज हैं। इसमें नरेंद्र मोदी जी के कम से 400 पेज की बुक है और उसमें हजारों फोटोज हैं नरेंद्र मोदी जी के पिछले कुछ सालों के। ये आइडिया बुक का किसने दिया था, ये विजय जोली का आइडिया था, ये विजय जोली ने आइडिया दिया था और आदेश गुप्ता ने इसको लॉन्च किया। इस बुक में सिर्फ फोटोज हैं और कुछ भी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के पिछले कुछ साल उसके फोटोज हैं और 450 पेज की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रिसेंटली इन विच स्टेट आरोग मेला हैज बीन इनॉग्रेटेड। अभी किस राज्य सरकार ने आरोग मेला का उद्घाटन किया है और ये उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने किया है। ये फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ है और इसका मेन मकसद है कि अवेयरनेस फैलाना, हेल्थ स्कीम जो इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च करती है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, और ये फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में अभी योगी जी की सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच आर्म यूनिट हैज लॉन्च शेख मुजीबुर रहमान मैत्री साइकिल रैली। अभी किसने करा है ये साइकिल रैली का आयोजन, ये बीएसएफ ने किया है ये साइकिल रैली का आयोजन। ये शेख मुजीबुर रहमान का बर्थडे है हमारा, 17 मार्च को पड़ता है और उन्हीं को बर्थडे के लिए ही हमारी बीएसएफ ने एक श्रद्धांजलि दी है, जो 10 जनवरी से 17 जनवरी के बीच एक साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया है। 10 जनवरी से 17 मार्च के बीच एक साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया है। ये साइकिल यात्रा कहाँ से कहाँ तक होगी, ये वेस्ट बंगाल से जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, मिजोरम तक वेस्ट बंगाल से, और ये लगभग 66 दिन की रैली होगी, 66 दिन की साइकिल रैली होगी और उसमें 4097 किलोमीटर कवर करे जाएंगे। डिस्टेंस जो होगा 4097 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है, ये राकेश अस्थाना जी हैं, अभी जो मौजूदा डायरेक्टर जनरल है आपके बीएसएफ के वो राकेश अस्थाना जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, COVID-19 वैक्सीनेशन ड्राइव इज लाइकली टू स्टार्ट फ्रॉम विच डेट इन इंडिया। COVID-19 की जो वैक्सीनेशन है आ चुकी है, आप सभी को पता होगा, और कब से वो लगेगी लोगों को, 16 जनवरी से वो लगना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले वो फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी, फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी जर्नलिस्ट हो गए हमारे, डॉक्टर्स हो गए,
या सीनियर सिटीजन को भी लगेगी पहले, उसके बाद ही दूसरों को लगेगी। पहले जर्नलिस्ट, डॉक्टर या फ्रंटलाइन वर्कर जो आपके पुलिस में विभाग में है, जो आगे आगे काम करते हैं, जिनकी ड्यूटीज होती हैं, उनको लगेगी। और ये स्टार्ट कहाँ से होगी? सबसे पहले स्टार्ट होगी जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होगी है। तो आज के हमारे सवाल इतना। आई होप सो आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और हमारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।